हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। अभी बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि सर, हमारा जो जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है, जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है, वो बिट सेट के साथ पूरा पूरा क्लैश कर रहा है। जैसे जेई मेंस का जब से हमारे दोनों अटेम्प्ट पोस्टपोन हुए हैं, अब जो डेट्स आई हैं वो बिट सेट से क्लियर क्लियर क्लैश कर रही है। जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट जेई मेंस का 21 से 29, ये जो डेट्स हैं, और ऐसे ही बिट सेट की डेट्स हैं अराउंड 26 तक, और सेकेंड अटेम्प्ट में भी 21 22 जुलाई से लेके अपना 30 तक, ऐसे ही बिट सेट की डेट्स हैं 22 से लेके 26 जुलाई तक। तो ये पूरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी क्लैश कर रहा है, सेकेंड अटेम्प्ट भी क्लैश कर रहा है। तो क्या हम सिर्फ एक ही एग्जाम दे पाएंगे क्या? और हमें कैसे इसमें, मतलब हमें दोनों फॉर्म फिल करने चाहिए, एक ही फॉर्म फिल करना चाहिए? अभी एक बच्चा बोल रहा है कि सर, मैं तो सिर्फ जेई मेंस का ही फॉर्म फिल करूंगा। तो बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप दोनों के फॉर्म फिल करो, ठीक है? और क्योंकि जेई मेंस का जो एग्जाम है वो बड़ा एग्जाम है, बिट सेट का एग्जाम भी काफी बड़ा है, बट उतने सारे एस्पिरेंट नहीं होते, और बिट सेट का जो एग्जाम है हर सेंटर पे नहीं होता। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जेई मेंस का एग्जाम और बिट सेट का एग्जाम के बीच में गैप जो हो बहुत ही कम हो, 1 दिन 2 दिन का गैप। तो ऐसे में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा वहां पर पहुंचने में। तो आपको क्या करना रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। तो पहली बात तो जो जेई मेंस की डेट आएंगी वो एनटीए डिसाइड करता है, ठीक है? उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? वो एनटीए की साइड से आपको डेट्स मिलेगी, बट बिट सेट के अंदर आपको चूज करना होता है कि आप किस दिन एग्जाम देना चाहते हो, 5 दिन में से 6 दिन में से किस दिन एग्जाम देना चाहते हो, किस टाइम स्लॉट में आप एग्जाम देना चाहते हो, वो आपको बताया जाएगा। तो एक तो चांस क्या है कि आपका एग्जाम जेई मेन्स का सपोज 27 को है और बिट सेट का 22 को है, तो वो तो आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है? बट अगर कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है कि आपका 24 जून को आपका जेई मेन्स का एग्जाम है, 25 को आपको बिट सेट है, तो ऐसे केस में आपको उनको मेल लिखना है बिट सेट को, ठीक है? आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका इतना क्लोज एग्जाम आ रहा है, ठीक है? तो ऐसे केस में बिट सेट की डेट्स क्या हो जाएंगी, पोस्टपोन हो जाएंगी। तो बिट सेट की डेट्स पोस्टपोन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है? जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बिट सेट पूरा कवर किया था, तो इस बार भी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको मिल रही होगी चैनल पे। तो कोई भी एग्जाम आप मिस मत करो, ऐसा मत करो कि क्योंकि इनकी डेट बहुत पास पास आने वाली है, क्लैश करने वाली है, तो मैं बिट सेट का फॉर्म नहीं भरता हूँ। तो फॉर्म आप दोनों के भरो, ठीक है? आपको पूरे पूरे 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, ठीक है? या तो बिट सेट की डेट्स पोस्टपोन होंगी, जो कि होनी ही है, क्योंकि जेई मेन्स इतने बड़े लेवल पे एग्जाम होता है कि दोनों एग्जाम सेम डे या सेम टाइम पे नहीं हो सकते, ठीक है? या फिर आपको अच्छा खासा गैप दिया जाएगा कि आप ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा सको, क्योंकि बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जहाँ पर बिट सेट के सेंटर ही नहीं है। तो एक दिन में 500 400 किलोमीटर ट्रेवल करना बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं रहेगा, तो ये क्या करेंगे, डेट्स को क्या कर देंगे, आगे शिफ्ट कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे। तो आप चैनल पे बने रहो, कोई भी अपडेट आएगा तो आपको मिलेगा। दोनों फॉर्म फिल करो, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि बिट सेट का फॉर्म फिल नहीं करते, क्योंकि आपको 2 चांस मिल रहे हैं, पहली बार, और जहाँ तक है कि आपको दोनों से ही बढ़िया कॉलेजेस मिलेंगे, बाद में आप डिसाइड कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू बच्चों।